दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाई कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अगर $10 से ऊपर कर लेते हो तो आपके एडसेंस पर गूगल पिन वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, और आपका ऑप्शन आने के बाद दोस्तों अगर आप उसे वेरीफाई नहीं करते हो तो आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से। तो दोस्तों कैसे आप पिन वेरीफाई कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही अपने $10 एडसेंस में कंप्लीट कर लेते हो तो $10 के ऊपर जैसे ही आपको $10 कंप्लीट कर लेते हो तो $10 कंप्लीट करने के बाद आपको एक नोटिस दिया जाता है ऊपर YouTube की तरफ से, या फिर आप देख सकते हो, या सूचना या फिर एक इन्फॉर्म आपको दिया जाता है कि आपका जो है पेमेंट होल्ड कर दिया गया। उसमें आपको लिखा होता है योर पेमेंट इज होल्ड बिकॉज यू हैव पिन वेरीफाई, कुछ ऐसा आपको लिखा जाता है उसमें। आप जैसे कि इमेज पर देख सकते हो, इस तरह से आपको कुछ लिखा हुआ आता है और उसमें लिखा होता है कि हमने आपका जो है पेमेंट होल्ड कर रखा है क्योंकि हम आपका जो है पिन वेरीफाई करना चाहते हैं। गूगल एडसेंस जो होता है वो $10 के बाद अपना पिन वेरीफाई करने के लिए भेज दिया जाता है। तो मतलब आपका $10 के ऊपर जैसे ही आप $10 के ऊपर एडसेंस में कर लेते हो तो आपका जो पिन वेरीफाई के लिए पिन सेंड कर दिए जाते हैं, आपके एड्रेस पर पिन सेंड हो जाता है। और वो पिन कैसा होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप कुछ ऐसा, आपको पिन वेरिफिकेशन के लिए एक ऐसा गूगल एडसेंस की तरफ से एक ऐसा लिफाफा या फिर एक ऐसा कागज आपको मिल जाता है जो आपको स्पीड पोस्ट की तरफ से मिलेगा, और स्पीड पोस्ट की तरफ से ये दोस्तों ऑफलाइन आएगा। आप चाहो तो ऑनलाइन भी उसे वेरीफाई कर सकते हो, बट ऑनलाइन उसके बाद जब आपका ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होता है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन में। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट देखने, ऐसा कुछ आपको ये कागज़ देखने को मिल जाता है, और इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसे पिन वेरिफिकेशन के लिए बताए जाते हैं। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाता है किस तरीके से आप प्रोसेस करोगे, और जैसे ही आप प्रोसेस में पाड़ने के बाद आपको जैसे ही ये 6 नंबर आपको दिखने को मिल जाते हैं, ये 6 नंबर को जैसे ही आप अपने पिन वेरिफिकेशन की जगह डालते हो तो आपका जो है पिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है, और आपको एडसेंस की तरफ से एक ईमेल मिलता है कि आपका जो एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, और हम आपका जो एडसेंस को जो हमने पेमेंट होल्ड कर रखा था उसे वापस रिन्यू कर देंगे, वापस जो है अनहोल्ड कर देंगे हम उसको। और दोस्तों आपको ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको मिल सकता है, या फिर किसी भी डाक के थ्रू आपको ये मिल सकता है। और जो दोस्तों आपने जो एडसेंस बनाया उसमें आपने एडसेंस में आपका जो एड्रेस डाला था उसी एड्रेस पर आपको दोस्तों गूगल पिन वेरिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना यही है कि आप गलत एड्रेस मत डालिएगा, अगर आपने उसमें एड्रेस डाल रखा है, या फिर आपने अपना जो है होम एड्रेस चेंज कर लिया है या रूम नंबर एड्रेस चेंज कर लिया है, तो दोस्तों आप उस एड्रेस को चेंज कर लीजिएगा, वरना आपका जो पिन वेरिफिकेशन वहीं पर जाएगा दोस्तों जहां पर आपने एड्रेस डाला हुआ था, और आपका जो पिन वेरिफिकेशन नहीं होगा। बहुत से यूट्यूबर्स का पिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता दोस्तों क्योंकि वो गलत एड्रेस डाल देते हैं और वो पिन जो होता है वो गलत एड्रेस पर चला जाता है। तो दोस्तों मैंने मेरे हाउस का जो एड्रेस है वो डाल दिया था तो मुझे ये पिन वेरिफिकेशन मिल गया था, बहुत पहले मैंने पिन वेरिफिकेशन कर लिया था, बट बहुत से यूट्यूबर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका पिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अगर आपके एड्रेस में कुछ गलती हो तो एड्रेस को सही कर लीजिएगा दोस्तों, वरना आपका जो गूगल एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और अगर पिन वेरिफिकेशन आप नहीं कराते हो तो $10 के ऊपर आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, आप अर्निंग को जो है बैंक में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आप गूगल पिन वेरिफिकेशन नहीं कराओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों विजिट करते रहिएगा #technicalsupportvishal। थैंक यू फ्रेंड।